सियासत में भले ही पद मायने रखता हो, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो सदाबहार होते हैं, जिनकी चर्चा तब भी होती है जब वे किसी पद पर नहीं होते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत हैं खटीमा के विधायक पुष्कर सिंह धामी। प्रदेश बीजेपी की राजनीति में वे एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जिनकी चर्चा प्रदेश में पार्टी संगठन के मुखिया के पद से लेकर मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद तक के लिए होते रही है। हालांकि पुष्कर धामी इसे सहज तरीके से लेते हुए कहते हैं, वे तो बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता हैं। मैं संघ परिवार का स्वयंसेवक होने के नाते विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में जाता था, विद्यार्थी परिषद की टीम में काम करता था। एक छात्र होने के नाते, क्योंकि विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी परिषद काम करती है, तो उसी के नाते में उसमें आना जाना शुरू करा। तो वहाँ पर हमने ये सीखा कि समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। और एक चीज़ और सीखी मैंने कि सबसे पहले मतलब जो ध्यान में आया, विचार में आया कि देश सबसे पहले होता है, देश के बाद दूसरे नंबर पर संगठन आता है और तीसरे नंबर पर व्यक्ति का अपना हित आता है। असल में पुष्कर धामी प्रदेश बीजेपी के उन चंद नेताओं में शामिल हैं जो संघ के आनुषंगिक संगठन से सक्रिय राजनीति में आए हैं। एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काफी कार्य किया है। वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिले से लेकर राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर तक के कार्यकर्ता रहे। लखनऊ में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन में संचालक के साथ साथ संयोजक की भी भूमिका निभाई थी। विद्यार्थी परिषद का जो कालखंड था, जिस समय में मैं काम करता था 1991-92-93 के बाद, तो बड़ा कठिन दौर था वो। उस समय में हम लोगों के पास काम करने के लिए बहुत संसाधन नहीं थे, बहुत प्रकार की सुविधाएँ नहीं थी। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे कार्यालय होते थे उसमें भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी बहुत कठिनता से होती थी, मतलब वो भी बड़ा कठिन काम था। लेकिन मैं ऐसे बहुत सारे हम लोगों के मार्गदर्शक रहे, उसमें से प्रमुख लोगों में से श्री नागेंद्र जी, जो आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं, महामंत्री संगठन के नाते। उससे पहले उत्तर प्रदेश में काम किया, विद्यार्थी परिषद में क्षेत्रीय संगठन मंत्री के नाते उन्होंने काम किया। उनके सानिध्य में रहकर हम लोगों को वहाँ पर बहुत काम करने का अवसर मिला। वहाँ पर मैं कहूँ कि महानगर स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक के बहुत सारे कार्यक्रमों का संयोजन करने का काम, उनमें शामिल होने का काम, और ये अवसर लगातार मिलते रहे। और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला कि वास्तव में देखिए, विद्यार्थी परिषद में व्यक्ति की जो परख होती है और व्यक्ति के अंदर संगठन कौशल है, वो सब सीखने का अवसर मुझे विद्यार्थी परिषद के ही कार्यकाल में, विद्यार्थी परिषद के जो अपने विद्यार्थी जीवन में, उसी में मिला। और मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। पुष्कर धामी की संगठन क्षमता को देखते हुए उन्हें 2002 में प्रदेश बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। इसी दौरान उन्होंने काफी युवाओं को अपने साथ जोड़ा। अब प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने में कारगर भूमिका निभाई, जिसके चलते प्रदेश बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर 2005 में उन्हें युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी। इसी दौरान उन्होंने युवाओं को अपने साथ जोड़ने की जो मुहिम शुरू की थी, उसे कारवा में तब्दील कर दिया। 2002 में तिवारी जी की सरकार बन गई थी। नारायण दत्त तिवारी जी उस समय मुख्यमंत्री होते थे, और उनके समय में चूँकि मुझे युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, तो मैंने कोशिश करी कि पूरे प्रांत में जाकर, जगह जगह जाकर, रैलियों के माध्यम से, अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से, हमने नौजवानों में बेरोजगारी के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। और उसमें बहुत बड़ा हमने संगठन किया, पूरे प्रदेश के सभी युवाओं का, अन्य लोगों का, सबका उसमें समर्थन प्राप्त हुआ। हमारे बड़े सभी नेताओं का भी उसमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसको लेकर हमने, मुझे एक जो रैली उस समय में हुई थी, उस रैली, चूँकि वो एक अमिट रैली थी, आज तक का जो है मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी रैलियों में से एक थी, युवा गर्जना रैली, जो हमने 11 जनवरी 2005 को विधानसभा का घेराव किया था। और वो हमारी मांग थी कि पूरे प्रदेश के अंदर जो है हिमाचल की तर्ज पर, अन्य प्रदेशों की तर्ज पर, स्थानीय नौजवानों को, युवाओं को रोज़गार दिया जाए और रोज़गार से जोड़ा जाए। तो उसके बाद, उस रैली के बाद ये भी हुआ कि हमारे प्रदेश के अंदर भी वो एक जो आरक्षण व्यवस्था है स्थानीय उद्योगों में, उसमें स्थानीय लोगों के लिए लागू की गई। और उस कार्यकाल के बाद बहुत सारे लोग, चूँकि हमारी टीम में से आगे चलकर उसमें से आज कम 7-8-10 लोग जो युवा मोर्चा की टीम में काम करते थे, आज वो विधायक के रूप में, कोई जिला पंचायत के रूप में, कोई ब्लॉक प्रमुख के रूप में, विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं, कोई संगठन में अच्छे जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। राजनीति में पुष्कर धामी की समझ को देखते हुए प्रदेश बीजेपी ने उन्हें साल 2012 में खटीमा से राज्य विधानसभा के लिए टिकट दिया। इस दौरान प्रदेश भर के युवा उनके साथ नजर आए, जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया, वे जीत कर राज्य विधानसभा में पहुंचे। हालांकि तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, इसके बावजूद उन्होंने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य करवाए।
मैंने सोचा था कि मैं अपने क्षेत्र के लिए जरूर कुछ न कुछ करूंगा, और उस जैसे ही मैं विधानसभा का चुनाव जीतकर विधायक बना तो मैंने पहले दिन से प्रयास किया कि खटीमा जो है एक शिक्षा का हब बने, शिक्षा के क्षेत्र में जो है जो हमारे यहाँ के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, ऐसे लोग हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी प्रतिभाएं हैं, जो धन के अभाव में, संसाधनों के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते, उनके लिए मैं कुछ करूं। उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर पहले ITI नहीं होता था, यहाँ ITI खोला, इसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होता था, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला। एक सैनिक बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण से बचपन में मन में रहा कि इस क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए, और एक केंद्रीय विद्यालय भी यहाँ पर मोदी जी की सरकार आने के बाद खुला। इसी प्रकार से जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर जो है एक आवासीय एकलव्य विद्यालय की बड़ी ज़रूरत थी कि यहाँ के थाड़ू बच्चे जो संसाधनों के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके लिए हमने यहाँ पर आवासीय एकलव्य विद्यालय भी अभी खोल दिया है। राज्य विधानसभा में अगले साल फिर से चुनाव है, प्रदेश में सियासत एक बार फिर तेज है, नेता जनता के बीच में जा रहे हैं, पुष्कर धामी भी जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की कोई लकीर नजर नहीं आती है। वजह भी साफ है, वे अपनी जनता के बीच 12 महीने जो रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड, 360 न्यूज़।